Hello everyone, welcome back to the channel. With the absence of Khasa Kamara owing to Africa Cup of Nation, Northeast United FC ने यहाँ पे साइन कर लिया है 35 साल के सेंटर बैक प्लेयर जकारिया डायलो को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जकारिया डायलो के बारे में, तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, खासा कमारा और फेडरिको गायगो के जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एफसी के हेड कोच खालिद जमील ने यहां पे हर्नान संतना को अपने मिडफील्ड पोजीशन से विथड्रॉ करके पैट्रिक फ्लोटमैन के साथ एज ए डिफेंडर खिला रहे थे। एंड गाइस वी ऑल नो जिस तरह की काबिलियत हर्नान संतना बॉल के साथ रखते हैं, ही विल बी मोर इफेक्टिव इफ ही प्लेज एज ए मिडफील्डर। और इसीलिए कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एफसी के मैनेजमेंट ने यहां पे जकारिया डायलो को साइन किया है ताकि हर्नान संतना को अपने डिफेंसिव ड्यूटी से राहत मिल सके और दूसरी तरफ कोच खालिद जमील को अपने सभी प्लेयर से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। दोस्तों अगर आप जकारिया डायलो की बात करें तो जकारिया डायलो 35 साल के एक सेंटर बैक प्लेयर है। अपने कैरियर में ज्यादातर वो एज ए सेंटर बैक ही फुटबॉल खेले हैं। जी हाँ, एज ए सेंटर बैक मोर देन 180 फुटबॉल मैच वो खेल चुके हैं, तो गाइस यहाँ पे अनुभव की कोई कमी नहीं है। अगर आप उनके टॉप फ्लाइट एक्सपीरियंस की बात करें तो बेल्जियम के टॉप डिवीजन फुटबॉल क्लब स्पोर्टिंग शार्लेरॉय के तरफ से उन्होंने जुपिटर प्रो लीग, जो कि बेल्जियम के टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग है, एक ऐसा लीग जहां पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एफसी के फॉर्मर प्लेयर इद्रिसा सिला ने भी खेले थे, वहां पे फुटबॉल खेल चुके हैं। दोस्तों जुपिटर प्रो लीग में फुटबॉल खेलने के बाद जकारिया डायलो ने लीग वन में भी फुटबॉल खेला था। जी हाँ, लीग वन के फुटबॉल क्लब डिजोन के साथ उन्होंने 2011-12 सीजन में अपना लीग वन डेब्यू किया था। उनके नाम 3 लीग वन अपीयरेंसेस भी है। हालांकि गाइस जकारिया डायलो ने ज्यादातर लीग टू, जो कि फ्रांस के सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग है, वहां पे फुटबॉल खेले हैं। जी हाँ, लीग टू के फुटबॉल क्लब जैसे SC AGCO, RC Lens, स्टारे ब्रेस्टोइस, डिजोन, इन क्लबों को उन्होंने मोर देन 150 फुटबॉल मैचों में रिप्रेजेंट किया है। तो गाइस लीग टू जैसे कंपिटिटिव फुटबॉल लीग में 150 से भी ज्यादा फुटबॉल मैच खेलना, इट्स अ रियल डील एंड इट्स टेल्स अ लॉट अबाउट द क्वालिटी दैट जकारिया डायलो पोजेस्ट। दोस्तों लीग टू में फुटबॉल खेलने के बाद उन्होंने MLS यानी मेजर लीग सोकर में भी उन्होंने फुटबॉल खेले थे। जी हाँ, मेजर लीग सोकर के फुटबॉल क्लब CF मॉन्ट्रियल को जकारिया डायलो ने 2018-19 सीजन में ज्वाइन किया था और उस सीजन वो CF मॉन्ट्रियल के लिए एक रेगुलर प्लेयर रहे। जी हाँ, जकारिया डायलो के नाम 24 MLS अपीयरेंसेस भी है। दोस्तों MLS में जकारिया डायलो ने पोर्तुगाल के लीजेंडरी प्लेयर नैनी के खिलाफ फुटबॉल खेले थे और गाइस फ्रांस के लीजेंडरी डिफेंडर बकारी सागनिया के साथ एक ही टीम की तरफ से फुटबॉल खेल चुके हैं। बकारी सागना एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने खुद मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल जैसे क्लबों की तरफ से फुटबॉल खेले थे, फ्रांस के लिए यूरो 2016 के रनर अप भी रह चुके हैं। तो गाइस क्वालिटी प्लेयर्स के वो टीम में रह चुके हैं, क्वालिटी प्लेयर्स के खिलाफ भी वो खेल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंडियन सुपर लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जकारिया डायलो में वो काबिलियत जरूर है इंडियन सुपर लीग में सफल होने का। और यहाँ पे गाइस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज दैट जकारिया डायलो के इंक्लूजन के बावजूद क्या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एफसी अब इंडियन सुपर लीग के बाकी रहे मैचेस जीत पाएंगे? क्योंकि गाइस अगर इंडियन सुपर लीग के टेबल में ऊपर जाना है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एफसी को अपने जो बाकी है मैचेस वो सब मैचेस जीतना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे में हाइलैंडर्स जकारिया डायलो के साथ क्या कमाल करेंगे वो देखना काफी दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अलविदा।